तो हाय गाइस, वेलकम बैक टू अवर न्यू व्लॉग। और आज का व्लॉग कुछ ऐसा है कि जैसे कि आपको पता है, लास्ट टाइम मैं लास्ट मंथ ही मदर्स डे पे मैं आई थी सूरत। तो मैंने ये सोचा था, जैसे मैंने आपको बताया था, अजमेरा फैशन से मैं ज़रूर जाऊँगी, तो मैं आई थी यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर सेट बाय सेट कपड़े थे, सिंगल पीस मेरे को मम्मा के लिए मिला ही नहीं। और उसमें मुझे ये नहीं लगा कि मैं सेट बाय सेट लेके जाऊँ। लेकिन जब मैं घर आई तो यूजली हमें बहुत कमेंट्स आते हैं इंस्टाग्राम पर कि हम स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं साड़ी का, गाउन का और बहुत सारी चीज़ों का। तो हमने सोचा कि शायद उनके लिए और शायद हमारे लिए भी एक बिज़नेस स्टार्टअप का ये आइडिया हो सकता है, और अजमेरा फैशन हमारी ज़रूर मदद करेगा। तो मैंने कहा एक बार मैं आती हूँ, इनसे मिलती हूँ, मैं पूरा यहाँ का अभी टूर लूँगी, सब देखूँगी, उसके बाद ही मैं आपको गाइड करूँगी गाइस। तो आए, इनसे मिलते हैं। नमस्ते मैम, फिर से एक बार स्वागत है। आप पिछली बार आए थे पर मैं मायूस होकर चली गई। एक्चुअली हम लोग सिंगल पीस में डील नहीं करते हैं। मैंने आपको उस समय भी बताया था, हमारा सिस्टम यही है कि अगर किसी को बिजनेस करना है हमारे साथ जुड़ के, तो वो हमारे यहाँ से डील कर सकता है, और वो बहुत छोटी अमाउंट में भी डील कर सकता है। जैसे 25-30 हज़ार रुपए के अंदर अगर कोई लेडीज घर से बिजनेस करना चाहती है। आपका चैनल का मैंने देखा, अभी फैमिली चैनल है, तो खासकर फैमिली बिजनेस इसको बोल सकते हैं। अगर फैमिली बिजनेस किसी को करना हो तो ये बहुत अच्छी एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है। सूरत में क्या होता है, बहुत सारे मैन्युफैक्चरर हैं यहाँ पे। जैसा एक अजमेरा आप देख रहे हैं, वैसे यहाँ पे लगभग 50,000+ मैन्युफैक्चरर्स हैं। बहुत बड़ा मार्केट है, लेकिन यहाँ बल्क डीलिंग करी जाती है। थोड़ा माल कोई भी किसी को नहीं देता है, मतलब किसी को 20-25 हज़ार 30 हज़ार रुपए का माल चाहिए तो वो नहीं देता है। यहाँ पे महिलाओं को कोई डील नहीं करता है, रिटेलर को कोई डील नहीं करता है। रिटेलर को बोला जाता है कि आप अपने शहर में किसी होलसेलर से खरीदो, लेकिन अजमेरा फैशन ने ये स्टार्ट किया पिछले। तभी मैं यहाँ पे आई हूँ क्योंकि बहुत वुमेन्स ऐसी हैं कि बहुत इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर बहुत मैसेजेस आते हैं कि हमें स्टार्टअप करना है, लेकिन उनके यहाँ पैसे भी है लेकिन उनको आइडिया नहीं मिल पा रहा और वो कर नहीं पा रहे। तो मैं कहूँ आपसे एक बार ये बता दो कि अब कैसे इसको स्टार्ट करा जाए और क्या मिनिमम अमाउंट है। देखिए, आप घर से भी स्टार्ट कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं। जैसे मम्मी जी हैं, मम्मी हाउसवाइफ हैं, ठीक है। आप क्या कर रहे हैं? यूट्यूबर, और मतलब मम्मी के साथ, मम्मी के साथ इन्वॉल्व रहते हैं। अब देखिए, जैसे आप घर पे रहते हैं, आप घर पे मात्र भगवान की दया से सब कुछ है आपके पास। मैं ये नहीं कहता हूँ कि नहीं है, पैसा भी है, सब कुछ है, लेकिन ये काम एक आपको लोगों तक तो पहुंचाएगा ही पहुंचाएगा, आपकी एक पहचान बनाएगा ही बनाएगा। इसके अलावा जिस किसी को कुछ जरूरत है, आजकल महिलाओं की ये हालत है क्योंकि अपना पुरुष प्रधान देश है, महिलाओं की छोटी छोटी रिक्वायरमेंट के लिए एक लिपस्टिक भी लानी होती है तो उसको अपने हस्बैंड के आगे हाथ फैलाना पड़ता है। सही बात है। और एक समय था जब चल जाता था कि भाई घर का एक आदमी, एक मुखिया कमाता था और बाकी पूरी जॉइंट फैमिली होती थी, तब भी वो लोग पूरा सब काम कर लेते थे, उसमें चल जाता था। लेकिन आज महंगाई बढ़ चुकी है, आज हस्बैंड वाइफ दोनों कमाते हैं फिर भी कम पड़ता है, क्योंकि बच्चों की पढ़ाई, इतने इतने खर्चे लगते हैं। तो हम ये चाहते हैं हमारे देश की जो महिलाएं हैं, चाहे वो सक्षम है या फिर उनको रिक्वायरमेंट है किसी कोई एक्स्ट्रा इनकम जनरेशन की, वो ये बिजनेस आराम से कर सकती है। जैसा एग्जांपल मैंने आपके लिए दिया कि आप घर पे ले जाके मात्र और मात्र 25-30 हज़ार रुपये या 50 हज़ार रुपये में ये बिजनेस स्टार्ट कर सकती है, क्योंकि ये प्रोडक्ट ऐसा है ना, इसकी रिक्वायरमेंट हमेशा बनी रहती है। इंसान जब रोटी तक कपड़ा मकान हमेशा चाहिए, इंसान जब तक धरती पे रहेगा कपड़ा तो उसको चाहिएगा ही चाहिएगा। रोटी के बगैर एक दो दिन भूखा रह सकता है, सही बात है, लेकिन मकान के बिना भी लोग रह रहे हैं, रह लेंगे, लेकिन कपड़े के बगैर एक सेकंड भी नहीं रह सकता है। तो ये जरूरत तो उसकी बनी रहने वाली है। तो इतना डिमांडेबल प्रोडक्ट जब है तो उसका बिजनेस अगर आप करते हैं तो वो चलने के चांसेस बहुत अच्छे होते हैं। और दूसरी बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि आप सूरत से डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से खरीद रहे हो, तो आपको बहुत रीजनेबल रेट में कपड़ा मिलता है। एक रिटेलर जो आपके एरिया में बैठ के जिस प्राइस में खरीद रहा है ना, उस प्राइस में आप बेच के कमा सकते हो। सही बात। तो ये एक बहुत बड़ा ऑप्शन है। तो अगर कोई भी करना चाहता है तो हमारे साथ जुड़ सकता है। हम एक नंबर आपको प्रोवाइड करवा देंगे, वो नंबर आप स्क्रीन पे डाल दीजिएगा। उस नंबर पे आपके जो भी कमेंट्स आते हैं उन लोगों को आप कमेंट करके भी
बोल सकते हैं, उनको रिप्लाई आप करते ही होंगे अपने रिप्लाई करते हैं, तो उनको रिप्लाई में आप वो भेज दीजिएगा कि आप अजमेरा फैशन में सूरत में संपर्क कर सकते हैं, उनसे समझ सकते हैं, देख सकते हैं या फिर विजिट कर सकते हैं यहाँ पे, जैसे अभी आप आए हैं एक बार विजिट कर ले तो सही रहता है, सबसे बेस्ट। हाँ। सबसे अगर नया कर रहे हैं कोई भी तो एक बार आए, एक बार विजिट करें। विडोज भी है जिनके मैसेज आते हैं हमें कि अब उनको समझ नहीं आ रहा लाइफ में क्या करें, तो मुझे लगता है उनके लिए ये सबसे बेस्ट है, क्योंकि हर एक वुमेन को कपड़े की नॉलेज तो होती ही है, चाहे कोई नॉलेज हो ना हो, ये प्रोडक्ट वुमेन्स वियर प्रोडक्ट है मेनली, तो आराम से उसको तो आइडिया है ही है, और नॉलेज इतना ज्यादा इसमें चाहिए नहीं। देखिए अगर ये बिजनेस करने के लिए किसी डिग्री की जरूरत नहीं है, सबसे बड़ी चीज, किसी गवर्नमेंट छोटा बिजनेस करने के लिए किसी गवर्नमेंट लाइसेंस की जरूरत नहीं है, और सबसे बड़ी बात है कि घर से बाहर जाना नहीं है, घर से बाहर जाना नहीं है। आप अपने घर पे रह के व्हाट्सएप ग्रुप में आप डाल दीजिए, आप मैसेज के थ्रू लोगों को बोल सकते हैं कि मैं सूरत से कपड़ा लेके आई हूँ, और हर घर में रिक्वायरमेंट रहती है, एक शादी होती है तो 1.5-2 लाख-3 लाख रुपए के कपड़े लग जाना मामूली बात है। सही बात है। तो ऐसे आपके रिलेशन वाले जो हैं, आपकी सोसाइटी में जो है, उन लोगों को आप अप्रोच कीजिए और उनको बोलिए कि मैं कपड़ा सूरत से लेके आई हूँ। और वैसे भी सूरत नाम सुन के तो मुझे लगता है सभी को कपड़ों को होता है कि अच्छा ही कपड़ा होगा। बिल्कुल बिल्कुल, सूरत तो देखिए अगर मैं हिंदुस्तान की ही नहीं एशिया की भी टेक्सटाइल कैपिटल अगर इसको बोलूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है, इतना बड़ा और इतने बल्क स्केल के ऊपर यहां पे प्रोडक्शन। तो ये फ्रेंचाइजी भी देते, जैसे ये तो एक अमाउंट हो गया जी, तो इसकी फ्रेंचाइजी भी देते हैं। अगर कोई बड़ा बिजनेस करना चाहता है, बड़ा शॉप वगैरह करना चाहता है, तो फ्रेंचाइजी भी ले सकता है अजमेरा फैशन की, उसके लिए भी एक नंबर मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। फ्रेंचाइजी ऑप्शन के लिए एक नंबर अलग से स्क्रीन पे दिया हुआ रहेगा या नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ रहेगा, जिसको भी रिक्वायरमेंट है वो उस नंबर पे कॉल करके पूरा फ्रेंचाइजी के बारे में समझ सकता है। 12.5 लाख रुपए की है, 25 लाख रुपए की है, एंड 55 लैक्स एंड अबो की है, तो वहाँ पे आप इतना कॉल करके पूरी चीज समझ सकते हैं। तो गाइज मैं यही प्रेफर करूंगी आपको कि ज्यादा कॉल करके तो पूछ सकते हैं, जितना हो सके आप यहाँ आकर कोशिश करें, इनसे बात करें, इनके सेल्स पर्सन से बात करें। अभी मेरे को प्लीज एक बार आप टूर दिखा दो सब कुछ पूरा, जहाँ पे जितने भी वैरायटीज हैं। बिल्कुल मैं भेजता हूँ किसी को आपको सारा टूर। चले मम्मा। हाँ, बिल्कुल। अब मम्मा को लेकिन मैं सेट बाय सेट ही लेंगे, सेट बाय सेट ले लेंगे, क्योंकि तो वैसे एक बार एक कॉन्सेप्ट ऐसा, मतलब सेट बाय सेट क्यों है? क्योंकि हम देखिए यहाँ पे हम बल्क कपड़ा बनाते हैं, एक डिजाइन के अगर 4 कलर बनते हैं ना, तो हम लोग वो एक डिजाइन का पूरा पार्सल देते हैं और सबको एक ही अमाउंट में मिलता है, एक ही अमाउंट में, कोई फर्क नहीं रेट का। तो अब वो चार हम लोगों ने क्या किया कि यार कोई छोटा बिजनेसमैन है या छोटा रिटेलर है तो वो एक डिजाइन के इतना पूरा पार्सल लेके क्या करेगा, किसको बेचेगा? तो हमने एक ऑप्शन दिया उनको कि आप अगर एक एक सेट करके भी 10-20 डिजाइन लेना चाहते हो अलग 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 अलग, तो भी हम आपको दे देंगे। तो एक रिटेलर के लिए क्या वैरायटी बन जाएगी, और फिर सिंगल सिंगल पीस लेने के लिए कोई आएगा तो इतना हम नहीं। और मैंने आपकी बहुत वीडियोस देखी, इसका जो मिनिमम अमाउंट है 9 रुपीज 150, मतलब बहुत अलग अलग प्राइस है, बहुत सारे प्राइस। अभी मैं जाके सब देखती हूँ। 14-15 रुपीज से तो किड्स वियर स्टार्ट हो जाता है हमारे यहाँ, 5-6 रुपए से शायद हैंकी स्टार्ट हो जाती है, 45 रुपीज से साड़ी स्टार्ट हो जाती है, और लहंगे स्टार्ट हो जाते हैं लगभग 480 रुपीज से लहंगे। आप सोच सकते हैं जो यहाँ में जो प्राइस हम लोग बेचते हैं वो ये समझिए जस्ट डबल होकर के आप डबल नहीं, ट्रिपल से भी ज्यादा, जितने हाथ आगे आगे जाएंगे उतना 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 सबका मार्जिन होगा। यहाँ आके अपना पहला हाथ लगा लो गाइस, यही मौका है। बिल्कुल 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 बिल्कुल, थैंक यू। तो अगर कोई भी, मैं हमेशा कहता हूँ देखिए घर पे खाली मत बैठिए, कुछ ना कुछ करते रहिए, भले ही आपको पैसे की जरूरत नहीं। और मुझे लगता नहीं कि ये काम, अगर आप सोचो कि ये डूब जाएगा या नहीं चलेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि कपड़े का काम चले ना। मैम 25-30 हजार रुपए का कपड़ा आप अगर लेके जाते हो ना, तो अपने जो संस्कार, हम लोगों के जो संस्कार है हिंदुस्तान के अंदर, भारत के अंदर, उसमें किसी के बर्थडे, किसी की एनिवर्सरी, किसी का कुछ, किसी का कुछ, किसी का कुछ, घर में रहता है। 10-20-50 पीस तो साल भर में लग जाना मामूली बात है, एकदम मामूली बात है।
तो इतने से इसके लिए क्या सोचना, ये तो कहीं भी खपत हो जाएगी, भगवान ना करे अगर कुछ ऐसा हो तो। लेकिन ऐसा होने के चांसेस ही नहीं है, बिल्कुल चांसेस नहीं। एक एप्पल का फोन भी अब 1.5 लाख का आता है और 25,000 तो कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है। आज लोग फोन लेके घूमते हैं 25-25 हज़ार 30-30 हज़ार का। तो कोई एक ऐसा बिजनेस जनरेट कर लीजिए ना जिससे आप जब चाहे अपना फोन चेंज कर सकते हैं। सही बात है, तो बिल्कुल खाली मत बैठिए, कुछ ना कुछ करते रहिए, क्योंकि आप नए लोगों से मिलते हैं, नए लोगों से बात करते हैं। जब बिजनेस करेंगे तो कुछ ना कुछ लोग आते रहेंगे आपके पास में, तो आपका एक व्यक्तित्व निखर के आएगा, आपको एक नॉलेज मिलेगा, आपको दुनिया की जानकारी मिलेगी, भले ही पैसा कमाए ना कमाए वो एक अलग बात है। तो बस आप लोगों से यही विनती, आप आए, धन्यवाद, आपने मौका दिया है, जबकि पिछली बार मैंने मायूस करके भेज दिया था हमारे बच्चों ने आपको कि हम सिंगल पीस नहीं भेजते हैं, फिर भी आपने, फिर भी हम आए ना दोबारा, यानी कि हमें अच्छा लगा तो हम आए। बिल्कुल बिल्कुल, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आपने हमें मौका भी दिया व्यूअर्स तक हमारी जानकारी पहुंचाने का। हमारे व्यूअर्स को गाइड करने के लिए थैंक यू सो मच, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और व्यूअर्स को भी बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ भी करना हो, नंबर दिया हुआ है, कॉल कीजिए।